गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के अंतर्गत भारतीय समाज में होने वाली सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों के अंतर्गत सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, लघु व वृद्ध परंपराओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय समाज एक विविधता युक्त समाज है जिसमें अनेक परंपराएं, धार्मिक विश्वास, मानदंड एवं मानक विद्यमान हैं। सभी समुदायों की अलग अलग विशेषताएं हैं जो एक दूसरे को तो प्रभावित करती हैं, साथ ही स्वयं भी प्रभावित होती हैं। भारत के ग्रामीण समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं हैं जो उनकी सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को व्यक्त करती हैं। साथ ही ग्रामीण व्यवस्था में हमें मंद गति से अनेक परिवर्तन सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर दिखाई देते हैं। जब किसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई परिवर्तन होता है तो उसे प्रक्रिया मूलक परिवर्तन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया मूलक परिवर्तन के अंतर्गत हम भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अनेक परिवर्तन देखते हैं, जिसको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न अवधारणाओं के रूप में व्यक्त किया। M.N. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण व लौकिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार नर्मदेश्वर प्रसाद ने सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए कुलीनीकरण की प्रक्रिया बताई, तो मैकिम मेरिट ने स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने का मानना है कि प्रत्येक सभ्यता व संस्कृति का निर्माण परंपराओं से ही होता है, और प्रत्येक परंपरा का अपना सामाजिक संगठन होता है। अतः परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए हमें परंपराओं को जानना आवश्यक है। उन्होंने दो तरह की परंपराओं का उल्लेख किया है, एक लघु परंपरा और एक वृहत परंपरा। एक वह परंपरा होती है जिसका संबंध थोड़े से चिंताशील कुलीन वर्ग से होता है, दूसरी वह परंपरा है जिनका संबंध लघु समुदाय अथवा कृषक समाज से, यानी एक व्यापक स्तर पे जिस परंपरा को हम देखते हैं। इन्हें ही क्रमशः वृहत परंपरा और लघु परंपरा कहा गया। हमें वृहत परंपरा और लघु परंपरा को समझने से पूर्व हमें परंपरा के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरा शब्द संस्कृत के परंपर से निर्मित हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि एक के बाद दूसरा आता उत्तरोत्तर, यानी जो हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, हस्तांतरण की जो चीज़ है वही परंपरा है। किंतु परंपरा जब हम समाजशास्त्र दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम ये कहते हैं परंपरा एक धरोहर है जो समाज के मूल्यों, विश्वासों, भावनाओं आदि को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती है, यानी सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है वही परंपरा कहलाती है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज में तीन प्रकार के सांस्कृतिक परंपराओं की बात की थी, जिन्हें सांस्कृतिक उपसंरचनाओं के रूप में भी संबोधित किया था। उन्होंने बताया था कि अभिजात उपसंरचना, लोक उपसंरचना व जनजातीय उपसंरचना। इनमें से अभिजात यानी एलिट उपसंरचना का क्षेत्र नगरीय भारतीय समाज से है, और लोक उपसंरचना का क्षेत्र ग्रामीण भारत से माना गया है। अब हम बात करते हैं वृद्ध परंपरा का। जैसा कि मैंने बताया कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीस एंड सोसाइटी एंड कल्चर में स्पष्ट रूप से वृद्ध परंपरा की चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वृद्ध परंपरा का पोषण अभिजात वर्ग से थोड़े से चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा होता है। उन्होंने मैक्सिको की माया संस्कृति के मंदिरों और प्रसादों की विशाल निर्मित वस्तुशिल्प, परिष्कृत कला, खगोल विज्ञान, पंचांग,
चित्रलिपि, साहित्य, देवताओं, शक्तियों, धर्म, राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर वर्ण परंपरा को संबोधित किया। उनके अनुसार व्रत परंपरा पाठशालाओं, मंदिरों में घोषित होती है। ये दार्शनिक, ब्रह्म विज्ञानी या साहित्यिक मनुष्यों की ऐसी परंपरा है जो विचारपूर्वक घोषित हस्तांतरित की जाती है। यानी व्रत परंपरा अभिजात वर्ग से पोषित होती है, जिसमें थोड़े से चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा इस परंपरा को सृजनात्मक स्वरूप दिया जाता है, शक्ति प्रदान की जाती है और यह परंपरा अब एक शक्तिशाली संरचना के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। रेडफील्ड का मानना है कि सभी सभ्यताएं अपनी रचनात्मक शक्ति के आधार पर ही उत्पन्न होती है और बाह्य संपर्क के आधार पर उनमें परिवर्तन होता रहता है। यानी जब धार्मिक अनुष्ठान है, संगीत है, साहित्य, रीति रिवाज है, विविध सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे भारत के धर्म ग्रंथ हैं, ये सभी व्रत परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे ही जैसे बड़े बड़े त्यौहार हैं, दशहरा, दिवाली, रामनवमी, और जो हम सार्वभौमिक लोग देवताओं के रूप में जानते हैं, जैसे राम, विष्णु, सरस्वती, तो ये सारे व्रत परंपराओं के अंतर्गत गिने जाते हैं, क्योंकि ये इनका पोषण कुलीन वर्ग के द्वारा किया गया और इनका हस्तांतरण भी उनके माध्यम से ही हुआ है, तो ये व्रत परंपराओं के अंतर्गत आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्रत परंपरा अभिजात वर्ग के चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा पोषित होती हैं और धीरे धीरे सभी वर्गों क्षेत्रों में ये मान्य हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवद गीता का मूल दर्शन क्रमण्य दादिकास्ते आज सभी वर्गों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यानी गीता को कर्म फल के बिना कर्म की इच्छा वाला जो गीता का मूल मंत्र है वो सबके द्वारा ग्रहण किया जाता है, जबकि ये उच्च अभिजात वर्ग के द्वारा उत्पन्न की गई और पोषित की गई और उन्हीं के द्वारा हस्तांतरित की गई, किंतु आज वह सभी वर्गों व क्षेत्रों में मानी जाती है। अब दूसरी परंपरा है लघु परंपरा। लघु परंपरा का संबंध कृषक समाज से या निम्न स्तर पर माना जाता है। रेडफील्ड ने स्पष्ट कहा है कि साधारणतः जो निरक्षर कृषकों की परंपराओं को ही हम सामान्यतः लघु परंपरा कहा जाता है। लघु परंपरा को रेडफील्ड ने स्थानीय स्तर पर परंपराओं के रूप में देखा है। उनका मानना था कि सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से संबंधित यदि कोई परंपरा मूल धर्म ग्रंथों से संबंधित नहीं है, केवल एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है, प्रचलित है, अधिकांश व्यक्ति उसके वास्तविक अर्थ को ना समझते हों, तो ऐसी परंपरा को लघु परंपरा कहा जाता है। जो विश्वास किसी छोटे से क्षेत्र में धीरे धीरे विकसित होकर कालांतर में एक धार्मिक कृत्य के रूप में प्रकट होने लगता है, वही धार्मिक कृत्य लघु परंपरा का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, लोक कथाएं, मेले, लोकगीत, लोक नृत्य, तीर्थ यात्राएं, धर्मशालाएं ऐसे कृत्य हैं जिनका उल्लेख किसी धर्म ग्रंथ में हमें देखने को नहीं मिलता, किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ये हस्तांतरित होती रहती हैं, तो ये लघु परंपराएं कहलाती हैं। मैकी मेरिट ने भी कृषक समाज के स्तर पर जो पाई जाने वाली परंपराएं उनको लघु परंपराएं ही माना था। ऐसे ही योगेंद्र सिंह ने जनसाधारण, निरक्षर कृषकों के स्तर पर होने वाली जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं हैं उनको ही लघु परंपरा की संज्ञा दी थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लघु परंपरा का संबंध स्थानीय क्षेत्र से होता है जो अलिखित रूप में होती हैं और मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इनकी क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रों की ग्रामीण संस्कृति में भिन्नता भी हमें देखने को मिलती है। B.R. चौहान के अनुसार लघु परंपराएं स्थानीय होती हैं, अलिखित होती हैं, अशास्त्रीय होती हैं, कम व्यवस्थित होती हैं और कम चिंतनशील होती हैं। लोग इनके अर्थ को ना जानते हैं, न इनकी परिपालना करना आवश्यक मानते हैं,
केवल लोकगीतों रीति रिवाजों में लोक रीति रिवाजों में इनकी झांकियां हमें देखने को मिलती हैं, किंतु ये भी हमारी संस्कृति की निरंतरता व सजीवता का महत्वपूर्ण आधार हैं। यानी हमें भारतीय ग्रामीण समाज को समझना होगा तो लघु परंपराओं को भी जानना होगा। तो ये वर्त परंपराएं और लघु परंपराओं का जो अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मेरिट और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने बताई, उसके आधार पे हम दोनों में स्पष्ट अंतर कर सकते हैं। व्रत परंपरा का संबंध जहाँ मूल प्राचीन ग्रंथों से होता है, लिखित रूप में होता है, वही लघु परंपरा का संबंध केवल स्थानीय क्षेत्र तक होता है, वो लिखित नहीं होता, वह अलिखित रूप में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निर्मित होती है। दूसरा, व्रत परंपराएं अभिजात वर्ग के चिंतनशील व्यक्तित्व व्यक्तियों द्वारा निर्मित की जाती हैं, विकसित की जाती हैं, जबकि इसलिए वो क्रमबद्ध होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, जबकि लघु परंपराएं अशिक्षित निरक्षर कृषक लोगों द्वारा विकसित और निर्मित की जाती हैं, इसलिए उनमें क्रमबद्धता व्यवस्थित होने की कम संभावनाएं होती हैं। व्रत परंपराओं का स्वरूप व्यापक होता है, जो अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलता है, सभी जाति व वर्ग में देखने को मिलता है, जबकि लघु परंपरा एक सीमित क्षेत्र में विशेष लोगों तक ही इसकी परिपालना की जाती है। व्रत परंपराएं प्राचीन होती हैं, इसलिए उनकी विषय वस्तु भी शास्त्रीय होती है, जबकि लघु परंपराएं अशास्त्रीय मानी जाती हैं, क्योंकि इनका स्वरूप न तो पौराणिक होता है न अति प्राचीन होता है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण अंतर कि व्रत परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिखित रूप में हस्तांतरित होती हैं, जबकि लघु परंपराएं मौखिक रूप से हस्तांतरित होती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है कि व्यापकता के आधार पर हम व्रत परंपरा और लघु परंपरा को समझ सकते हैं, निर्माण व विकास के आधार पर व्रत परंपरा और लघु परंपरा में अंतर देख सकते हैं, क्षेत्र की व्यापकता के आधार पर क्षेत्र से कि कितने क्षेत्र तक ये फैली हुई है, कितने क्षेत्र के लोग इसे अपनाते हैं, उस आधार पर भी व्रत परंपरा और लघु परंपराओं को देखा जा सकता है। व्यवस्थित रूप से क्रमबद्धता के रूप में भी इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। शास्त्रीय आधार पर तो इनमें अंतर होता ही है, और हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर भी हम इन दोनों परंपराओं को देख सकते हैं। तो ये जो भारतीय समाज को हमें जानना है, तो व्रत परंपराओं के आधार पर और लघु परंपराओं के आधार पर, दोनों आधारों पर जान सकते हैं, क्योंकि व्रत परंपराएं जहाँ नगरीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करती है, नगरीय समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं लघु परंपराएं ग्रामीण समाज का, कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारत इन दोनों के समन्वय का समाज है, जिसमें हमें नगरीय समाज की विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं, तो ग्रामीण व शिक्षक, ग्रामीण व कृषक समाज की विशेषताओं को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब ये सवाल ही उठता है कि लघु परंपरा और व्रत परंपराओं के एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं, फिर भी ये दोनों परंपराएं परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है, दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है। रॉबर्ट रेडविल ने स्पष्ट कहा है कि व्रत और लघु परंपराएं एक दूसरे की पूरक है, उनके बीच एक स्पष्ट पारस्परिक निर्भरता देखी जा सकती है। ग्रामीण जीवन में जिन लोगों को लघु परंपराओं में अधिक मान्यता होती है, उनमें साधु संतों धार्मिक विचारों के द्वारा व्रत परंपराओं को पहुंचाया जाता है। जैसे कि वाल्मीकि का उदाहरण देते हुए, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, जो व्रत परंपरा का उदाहरण है। तुलसीदास ने इसे संस्कृत के स्थान पर अवधि भाषा में रचा। बाद में जब अवधि भाषा भी कठिन समझी जाने लगी, तो स्थानीय भाषाओं में रामायण की रचना की गई, जिससे लोगों में उनमें विश्वास ज़्यादा बढ़ा। तो ये कह सकते हैं कि व्रत परंपराएं लघु समुदाय की विशेषताएं बनकर नई लघु परंपराओं को जन्म देती हैं। इसलिए समाज विद्वानों ने इनके मध्य के जो सहसंबंध हैं
उनको चक्रीय क्रम के रूप में स्पष्ट किया है कि प्रारंभ में व्रत परंपराएं लघु परंपराओं के रूप में परिवर्तित होती हैं और कुछ समय पश्चात लघु परंपराएं अपने व्रत परंपराओं के क्षेत्र में वृद्धि करती हैं। इस तरह दोनों परंपराएं एक दूसरे से ग्रहण करती रहती हैं और परस्पर आदान प्रदान करती रहती हैं, किंतु प्रत्येक अपनी सृजनात्मक शक्ति के आधार पर विकसित होती है। इसके साथ ही इन पर बाह्य सभ्यताओं का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। धन्यवाद।